नाम दिखा तुमको बाय फिटनेस पीनर बटर का? हाँ जी सर। के लोगों के नीचे? यस यस सर, ये तुम्हारी औकात है। यस यस, वेरी गुड सर, आप बहुत आगे लाइफ में चले गए, अच्छी बात है। और आगे नहीं बेटा, अब जब तुम जिंदगी यहाँ पे, मैं चीफ गेस्ट बन के जा रहा हूँ। वेरी नाइस, अच्छी बात। खड़े होने का वीजा भी नहीं मिलता, जहाँ तेल लगा के खड़े रहते हो ना। हाँ। वहाँ स्पॉन्सर करते हैं। वेरी नाइस, अच्छी बात सर, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा देख के। पीनट बटर को वहाँ पे लगा लेना अपनी हाइड में और खड़े हो जाना स्टेज पे। ठीक है सर, परफेक्ट है। तुम्हारे अंदर जितनी ताकत जाने की लगा लो, अब चलेगा सर। हम ही तुमको चीफ गेस्ट बनेंगे, वहाँ मिलेगी। हेलो हेलो, मनोज पाटिल बोलो। हाँ, क्या चल रहा है आपका? अच्छा चल रहा है। तो आप ये क्या करके रख रहे हो, जब तक आप, जब आपकी बात हो चुकी है सब कुछ चीज में, और आपने बोला था वहां पे कि आप इंटरफेयर नहीं करोगे मेरी चीजों में, आप, मैं आपके इंटरफेयर नहीं करूंगा आपकी चीजों में, तो ये आपसे क्या लगा के रखा आपने? कौन बोल रहे हैं आप? मनोज पाटिल, आईएफबीबी प्रो। वहां क्या लगा रखा है आपने? आपके आईडी के ऊपर क्या लगा के रखा हुआ है? मेरा पिक्चर आपने क्यों यूज किया हुआ है? आपकी पिक्चर है वो? यस, मेरी पिक्चर है सर। कैसे पता आपकी पिक्चर है? मेरी पिक्चर है वो। अच्छा, आपकी पिक्चर है? हाँ जी। तो मतलब कैसे पता चलेगा आपकी शक्ल है उसमें? नाम लिखा है? नाम लिखा नहीं लिखा है वो आप मेरे को मत बताओ, पूरी दुनिया जानती है वो मेरी पिक्चर है, मेरी शादी हो चुकी है, दुनिया जानती है। या आप मेरे को ये सब करके मेरे को नहीं आप डरा सकते, ठीक है ना? वो आप मनीष सर तक, मनीष सर तक थे वो, सही था। आप यहाँ पे मत आओ। नहीं नहीं, क्या मतलब, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पहली बात, वो आपकी पिक्चर है नहीं, है ना? अच्छा, अगर आपकी पिक्चर है तो उसमें शक्ल होनी चाहिए आपकी, आपका नाम होना चाहिए। मैं आपको वो सेम पिक्चर आपको भेजता हूँ मैं। नहीं, भेजने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपकी पिक्चर है, उसमें शक्ल तो होनी चाहिए ना आपकी? शक्ल होनी नहीं चाहिए, होनी चाहिए आप मेरे को मत बताओ। मैं आपको सिंपल से एक बात पूछ रहा हूँ कि जब हमारी बात वहां पे हो चुकी है, जब आपने, आप मैंने एमएनएस के ऑफिस में आ चुके थे, वहां पे आपने बोला है उनको, उनके सामने आपने कबूला हुआ है, तो आप ये सब चीजें अभी करके क्या करना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो? नहीं, कबूला हुआ नहीं है कुछ। तो आप कबूला हुआ कुछ नहीं है तो आप कुछ मेरे बारे में नहीं कहेंगे और मैं आपके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, ये बात नहीं है। हाँ, मैंने कोई कबूला नहीं, बात समझ रहे हैं आप? कबूला नहीं मतलब क्या? कबूला में क्या मतलब है? क्या मैंने कोई गलती माना है? कबूला नहीं किया? आप गलती मानो नहीं मानो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं, आप बोल रहे हो ना कि आपने कबूला है। हाँ, तो मैंने कोई गलती माना है? आपने गलती माना है नहीं माना है मुझे नहीं पता, वो मीटिंग में नहीं था मैं। अगर मैं वहां पे होता तो मैं आपसे बात करता। फिर बताइए आप कैसे प्रूफ करेंगे? आप मैं प्रूफ भी अपने प्लेटफॉर्म में डालूंगा, उसमें मनोज पाटिल का चेहरा होगा, मनोज पाटिल होगा, तब आपको फिक्र होनी चाहिए। नहीं, वो पिक्चर मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाली हुई है और पीपल नो अबाउट दैट पिक्चर, सबको पता है वो पिक्चर मेरी है। आपने बोला आप शादीशुदा नहीं है? किसने बोला शादीशुदा नहीं है? अभी आप नहीं तो हर जगह बोल रखा है कि आप शादीशुदा नहीं। किसने बोला आपको ये? किसने बात बोली शादीशुदा नहीं है? मैंने इंस्टाग्राम पे खुद डाले पिक्चर मेरे, सब मेरा ओपन रिलेशनशिप था मेरा। लाइव में, वीडियो में सबको भेजते रहते हैं। कौन सी वीडियो में वो तो बताइए, कौन सी वीडियो में मैंने बोला? अरे कल की वीडियो लाइव में आपने बोला ना आप शादीशुदा नहीं हो। तो अभी शादीशुदा नहीं हूँ ना, मैं छोड़ चुका हूँ मेरी वाइफ को, सेपरेट हो चुका हूँ ना। मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। हाँ, तो आपको जब आइडिया नहीं तो आप डालते क्यों हो? आप पहले आइडिया निकालो, आपकी टीम को बोलो अच्छे से मेरे पे रिसर्च करे। लेकिन वो तस्वीर तो आपकी है ही नहीं ना। तस्वीर मेरी ही है वो, आप कितना ही ब्लर कर लो, कुछ भी कर लो, समझे आप? या फिर मैं भी सेम चीज कर सकता हूँ आपके साथ। अरे बिल्कुल शौक से करिए ना, समझा? आप ये सुनो सुनो, आपको जो आप जो आप जो चिंदगिरी कर रहे हो ना, सुनो 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 ये बात सुनो, आप जो चिंदगिरी कर रहे हो ना, आप करते रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आपसे, ठीक है? वो आपका काम है, आपका प्रोफेशन है, आप करते रहो, बट ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, ठीक है? मैं एक एथलीट हूँ और मैं हार्डवर्क करके, सुनो मेरी बात सुनो, मैं हार्डवर्क करके, सुनो आपका प्रोफेशन क्या है मुझे पता है। आप 10,000 रूपये में 5 मिनट पीनट बटर का काम करते थे। हाँ, उसपे फोटोशॉप करके। हाँ, आपने अपने ब्रांड का तस्वीर लगा के मेरी कंपनी के नाम से इस्तेमाल किया है, ये पता है मुझे। कौन सा? नहीं, कौन सा? आपने माय फिटनेस पीनट बटर के पैसे पे फोटोशूट करवाया पीयूष खाड़िए से, माय फिटनेस पीनट बटर से जब आप हर महीने पैसे देते थे, उस तस्वीर पे आपने अपनी कंपनी के प्रोडक्ट रख के फोटोशॉप करके वो भी इस्तेमाल किया।
तो मैंने वो पिक्चर अगेन खींची होगी, आप बताओ प्रोफेसर ने मुझे बताया, मैं मुझे बताया आप सारी पिक्चर मैंने फिर से फोटो शूट कराया, आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या बोल रहे हैं? मैं बोला वो फोटो शूट सेम मैंने फिर से कराया हुआ मेरे प्रोडक्ट के साथ, आपको ये प्रॉब्लम है? वो तो ठीक है ना, हाँ वो आप सुनो मेरी बात, जब मैं आपके साथ सुनो मेरी बात, बात सुनिए, जब मैं आपके साथ में था, जब आपके साथ में था, आपने मेरी कंपनी से जो अभी आपने फोन करके किया है ना, ये जो अभी आप फोन करके बात कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, ये आप कोर्ट में जाकर के कल सुबह जब मैं इसके बारे में बोलूंगा कि मेरी कंपनी को, तो आप कोर्ट में साबित करिएगा कि मेरे पास तो वीडियो भी है, मेरे पास उस फोटोशूट का नेगेटिव भी है, मेरे पास सारी चीजें हैं उससे, और आप इस फोटोशूट का प्रूफ दीजिएगा कि आपके पास सेम लोकेशन सेम डेट के कितने पुराने डेटा हैं, डिसाइड कर लेगा। नहीं नहीं, नहीं आप मुझे बताओ, मैं आपको आपको मैं क्यों दूं भाई, वो तो बताओ। नहीं नहीं, मुझे नहीं देना। तो आपने मेरी कंपनी के पैसे पे पैसे लिए, मेरे प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, मेरे फोटोशूट को इस्तेमाल किया, और आपने अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को मेरे फोटोशूट पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ तो आपको पेमेंट, सुनो मेरी बात, मेरी एक बात सुनो आप, जब आपके साथ में पेमेंट मिली थी नहीं मिली, एक बात तो सुनो आप, पेमेंट की बात मत करो, पैसा बहुत है आपके पास मैं जानता हूँ, एक मिनट सुन के लो बात मेरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो 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 एक बात, अरे सर सुनिए ना सर, ओ सर रिस्पेक्टेड साहिल खान सर सुनिए तो सही हमारी बात, तो हमको तो मौका दीजिए बोलने का, आप अकेले ही बोलते हो यार एक साइड से, हमको तो मौका दो गरीब को, अब मालूम है यार ऊपर बिल्डिंग में रहते हो सर, हम लोग वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे, बहुत मौके मिलेंगे सर, एक मिनट रुकिए सर, रुकिए सही, आपके साथ में छह महीना, मौके दूंगा बोलिए, छह महीना आपके साथ में था, ठीक है, आपके लिए मैंने काम किया है, पूरे शिद्दत से काम किया, सारी शिद्दत से आपको मैंने प्रमोट किया है, जब आपका वहां से खत्म हो चुका आपका मेरा कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद मैं अपने लाइफ में क्या करूं, सेम फोटो शूट करूं मेरा प्रोडक्ट के साथ करूं या कोई कंपनी लेके आऊं, आपको कोई लुकआउट नहीं उससे। हाँ देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप सेम फोटोशूट का प्रोडक्ट हटाकर अपने प्रोडक्ट को लगाकर इस्तेमाल नहीं कर सकते ना। अरे सर मैंने सेम फोटोशूट अगेन किया है सेम बॉडी के साथ मेरा प्रोडक्ट, आप दे दीजिएगा डेटा, जब आप देंगे डेटा मैं आपको क्यों दूं भाई, वो तो सुनिए आप मुझे क्यों देंगे, जब मैं आपके ऊपर केस कल करूंगा, हाँ हाँ कल जब मैं आपके ऊपर केस करूंगा तो आप कोर्ट में जा करके प्रूफ दे दीजिएगा कि कितना पुराना डेटा है आपके पास, करो करो केस करो करो ना केस, वो आप इतना रुकते फिर, फोन जो आपने किया है ना इस फोन के बाद, अभी आप थोड़ी देर पहले कुछ और बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे क्या बोला, कोई बात नहीं कुछ नहीं बोल रहे थे, अच्छा अब आप जो है ऐसा है कि आप मुझे कुछ नहीं आपको देना है, मेरी कंपनी आपकी कंपनी पे जब ये केस करेगी तो आपकी कंपनी आपका लॉयर और मेरा लॉयर समझेगा, इसमें मैं और आप क्या कर सकते हैं, बट मेरे पे आप केस करोगे क्यों भाई, वो तो बताओ, क्योंकि आपने मेरी कंपनी के प्रोडक्ट को आपने मेरी, वो सुनो मेरी बात सुनो, वहाँ पे ना आपका प्रोडक्ट मेरा इम्पोर्ट छोड़ दो, मैं वहाँ पे खड़ा हूँ ना, मेरा फोटो है ना, मेरी शक्ल है ना, वो मैं सबसे बड़ा प्रोडक्ट हूँ, आप बोलो अभी, आपकी शक्ल लेकिन वो कंटेंट तो मेरा है ना, कौन सा कंटेंट, क्या बात कर रहे हो आप, सेम पिक्चर कोई खींच सकता, आप ही खींच सकते हो, यू आर द ओनली बॉस, ठीक है तो आप प्रूफ कर दीजिएगा, आपको तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, आपको मैंने आपको आपको मैंने कॉल इसीलिए किया था, ये छोड़ो आप भाई माई फिटनेस और ये बाद में बात करते हैं ब्रांड के बारे में, मैं आपको ये चीज पूछना चाह रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको आप आपने मेरा कॉन्टेंट यूज किया है ना, कौन सा प्रूफ आप कोर्ट में दीजिएगा, आप क्या थोड़े आप थोड़ा बच्चलन क्यों करते हो, मतलब आप छोटे बच्चे हो या फिर आप सही में ऐसे हरकतें करते हो, मैं क्या हूँ वो तो आपको पता चल चुका होगा अब तक, अरे कुछ नहीं पता चला, आपकी कितनी फटती है ना वो मुझे पता चल गया है, सॉरी कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ठीक है आप आपको पता आप कितनी फटती है किसकी कितनी फटती है वो आपको पता चलेगा, कोई चले, बात नहीं तो दिखाऊं ना जाएंगे, अरे तो आओ तो सामने सामने तो आओ सामने तो आओ एक दिन सामने आओगे सामने आओगे, देखिए वो तो आप कोर्ट में आइए, अरे सर मैं अरे वो छोड़ो ना फोटो की बात कर रहे हैं, आप मेरे साथ आपके साथ मुझे पिक्चर खींचनी है, आओगे सामने, नहीं 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 आओ ना, जो नौकर लोग होते हैं ना जिसके लिए मेरे लिए काम करते हैं मेरी कंपनी के लिए 10,000 रुपए पगार पे जो काम करते हैं, जो जो इस लेवल के लोग होते हैं जिनको काम करके जो मालिक को धोखा देते हैं ना कंपनी को धोखा देते हैं, कंटेंट जिसका लेकर के चुरा करके उस पे अपना फोटोशॉप करके डाल देते हैं ऐसे प्रोडक्ट का जिसमें लेवल ही नहीं होता है, मैं ऐसे लोगों के साथ मिलने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई बात नहीं
ठीक है मैं आपको आऊंगा इंडिविजुअल लेके, टेंशन मत लो, मैं आता हूँ। तो बहुत दिन पहले आने वाले थे ना? आने वाले सर, लेकिन आप मिलते नहीं हो ना, आप मिलते नहीं हो। मैं तो हर जगह रहता हूं। आप बड़े इंसान, अभी आपने जैसे बोला ना, अभी आपने जैसे आपने बोला ना अभी सर कि मैं छोटे लोग से मिलता नहीं हूँ, जो मेरी कंपनी के लिए कॉल करता है उसको नहीं मिलता हूँ मैं, 10,000 जो ईमानदार लोग होते हैं हाँ। मैं उनको ही मिलता हूँ। ओके ओके, मैं आपसे छोटे लोग को नहीं मिलता हूँ जो कंपनी का हराम का खाकर उनके प्रोडक्ट को फोटोशॉप करके अपने प्रोडक्ट पे लगा देते हैं, है ना। अच्छा तो मैं क्या करूँगा बताइए? अब आप मुझे प्रूफ देने की कोई जरूरत नहीं है, आपको अच्छा लगता है ना ये सब, क्योंकि अब आपके पास तो कुछ रहा नहीं, तो आपके पास बहुत समय पड़ा हुआ है। अब मैं आपको समय देता हूँ, ठीक हाँ। है ना? ठीक है ठीक है। अब आपको आपको मैं समय देता हूँ, आप मुझे कुछ मत दीजिएगा सफाई, कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर। अरे वो, अरे सर वो छोड़िए ना, वो सारी बात मुझे कोर्ट का मैटर ऑफ जब केस करनी है आप कर लो, जितनी केस करनी है आप कर सकते हो, ठीक है ना। दैट्स योर संविधान के हिसाब से आपको जो करना है आप करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक फोन किया है इस ये पूछने के लिए कि क्यों आपने फोटो अपलोड किया है और आप क्या चाहते हो लाइफ से। आप मुझे मुंह पे बोल दीजिए कि हाँ मैं ये चाहता हूँ तुमसे, तो अपन देख लेते क्या करने का। नहीं, मैंने तो आपकी तस्वीर अपलोड की नहीं। मेरी तस्वीर है वो, मैं प्रूव कर सकता हूँ उस चीज को, मेरी तस्वीर है। तो कर दीजिए आप। हाँ ठीक है, मैं आपको पिक्चर सेम आपको पिक्चर में भेजता हूँ आपको। आप क्या समझते हो, ब्लर कर दोगे तो वो ब्लर कर दोगे तो फेस हटा दोगे तो तस्वीर आप समझ में नहीं आएगी किसी को, इतने इतने बेवकूफ लोग बैठे। आपको मुझे प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है ना, आपको किसी और, मैं तो बोल रहा हूँ नहीं है आप। अरे सर सुनो मेरी बात, आप इंस्टाग्राम 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 करते हो ना, सब इंस्टाग्राम में डाल के बाद में बोलते हो कि कोर्ट में मिलो कोर्ट में मिलो, कोर्ट को प्रूव करो, तो फिर आपने इंस्टाग्राम पे डाला क्यों है? कोर्ट में आके डाल देना, स्टार्टिंग आपने की है ना इंस्टाग्राम पे डाल के। अगर मैं काम करता हूँ, मैं आपको दूसरा वाला डाल देता हूँ और दूसरा वाला डाल के विदाउट ब्लर डाल के पूछता हूँ। हाँ डालो, लोगों से डालो, है ना, अभी डालो। ऐसा कर लेता हूँ कि मैं दूसरा वाला डालता हूँ हाँ। और डाल के पूछता हूँ लोगों से कि कौन है। हाँ डालो डालो, 50% आप और कम करके डालो, एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट हो जाएगा ये, है ना, एकदम परफेक्ट हो जाएगा। डालो अभी डालो। बहुत अच्छा बात है, अभी तो आजकल पाटलिपुत्र में भी आप बहुत जाते हैं ना, वहाँ पे भी बहुत बहुत जाता हूँ मैं, वहाँ भी बहुत दोस्त है आपके पाटलिपुत्र। मेरे हर जगह दोस्त है सर, आप टेंशन मत लो। जी जी, मुझे मालूम है आपके कहाँ कहाँ दोस्त हैं, उसमें कोई अच्छी बात है। अरे सर ऊपर वाला आपको कुछ रखे, अरे सर कोई भी वो नहीं है। अरे सुनो सर, ये ना ये सब हरकत है ना, अपन अपने आप पे पास ही रखो, समझे। अरे सुनो मेरी बात, सुनो एक बात, सुनो मेरी बात, आप एक बात सुनो तो सही। आप परियों के बीच में रहते हैं ना? अरे परी हाँ, अच्छा अच्छा है अपना, आप हमको फेमस कर रहे हो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कब करो। लेकिन आप ये चीज नहीं जानते हो कि मैं डरने वाला इंसान नहीं हूँ, आप मेरे को समझे नहीं क्या अभी तक? डरने की क्या जरूरत है, जो जिसके पास परी हो, परियों के बीच में रहता हो वो कैसे डर सकता है? तो वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ, तो आप डर नहीं सकता मैं आपसे, आप मत समझो आपकी यू नो, आप मेरा ये दबा के वो पिक्चर डाल के मैं आपके पैर पकड़ने आ जाऊंगा, ये आप भूल जाओ, ठीक है ना। मैंने कहा आप कैसे डरेंगे, आपके पास परियां हैं, परी है, परियों के बीच में आप रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, परियों के बीच में रहता हूँ मैं और डिजर्व करता हूँ, नंगी लड़की के साथ नहीं रहता। जिसके पास परी हो, समझा क्या? दुनिया में किसी, अरे सर सुनो ना, अरे सर सुनो ना, मैं ना नंगी लड़की के साथ में नहीं रहता, अच्छी लड़की के साथ में रहता हूँ, वो मेरा अच्छा है, बड़प्पन है मेरे दिल का। जिसकी औकात 10,000 रुपए की कार कर रहे हैं आगे ना औकात पे, सर आप भी भूल जाते हो ना सर कभी कभी कि आप कहाँ से आए हो ना। वो लड़की को नंगी बोल रहा है, कौन सी लड़की, अच्छी बात, कौन सी लड़की नंगी बोला मैंने? अभी आपने बोला ना नंगी लड़कियों के, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप लड़की को नंगी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा लगा, है ना। खुद की औकात 10,000 रुपए महीने की है पोस्ट डालने की और दूसरी लड़की को नंगी बोल रहे हैं, हाँ। है ना, बहुत इंस्टाग्राम पे लड़के हैं। पेडीक्योर का भी बजट नहीं है जितने में आप काम करते हैं 10,000 रुपए। हाँ पता है सर, हम छोटे, हम तो अरे हम तो सर बोलते हैं सर, हम दूसरी लड़की को नंगी बोलने से पहले अपनी औकात देख लीजिए। तो आप अपना मुंह क्यों खोलते हो, आप अपना मुंह क्यों खोलते हो? परियों के साथ में रहता हूँ तो मैं परी वाला इंसान हूँ ना, अच्छा लड़का हूँ ना मैं, तुम परियों के साथ रहता हूँ। लड़के हो भैया, हाँ। परी के साथ रहते हो, परियों हाँ। के साथ रहते हो, कभी इस घर में रहते हो, कभी उस घर में रहते हो, कभी दस माला, कभी सात माला, अलग अलग जगह, बहुत अच्छी। अरे तो ये मेरी लाइफ है, जिंदगी सब नहीं। 10 माला वाला जो आपका इन्फॉर्मेशन है गलत दिया किसी ने आपको, 7 माला परफेक्ट था, 7 माला परफेक्ट था, 7 माले पे था अभी
अभी यहाँ पे भी सात माला में पाटलिपुत्र में। अच्छा हाँ, सात माला। और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, मैं दे दूँ? नहीं, मुझे, अरे परियों के बीच में रहने वाले इंसान के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ। तो आप इतना मेरे बारे में सोच रहे हो, इतना बारे बारे में इंटेलिजेंस लगाइए, तो मेरे को अच्छा लगा सुन के। अब सोचूंगा, अब सोचना पड़ेगा। नहीं सोचो, आपने जो आप जो ये कर रहे हैं बिना वजह की बातों पे, इतना एनर्जी जिंदगी का वेस्ट कर रहे हैं। सर सुनो मेरी बात, अच्छा एक, लग रहा है। एक चीज बात सुनो मेरे से, आप, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, ये एनर्जी मैं वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये एनर्जी आपने स्टार्ट की यूज करना, और आपने एनर्जी यूज करना है। मेरे को कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, मुझे कोई मतलब नहीं किसी के बिजनेस से, नहीं मुझे किसी आपका 2016 में वीडियो बनाकर जब रो रहे थे, जब आपको धक्के मार के लोग नफरत कर रहे थे, मैं ही पागल था आपको 2016 में। सर 2016 नहीं सर 17, आप ये भी भूल जा रहे हो सर। क्या करूं भाई, मेरे पास कोई ऐसा है। हाँ होता है, वो एज होने के बाद ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं आप। तो हमारे पास इतना बिजनेस है कि हम जो नौकर लोग 10,000 रुपए पे काम करते हैं उनके बारे में याद नहीं रखते। बराबर है, आपके पास इतने लोग हैं सर, हराम नौकरों के बारे में सर, जो हमसे पैसा कमा कर हमारी ही मारते हैं। आपने कितना पैसा दिया सर मेरे को जरा बताइए। चलिए आपके लिए 10,000 रुपए बड़ा नहीं होगा हर महीना, हमारे लिए तो था। तो अभी आप तो अभी बोल रहे थे कि 10,000 रुपए बहुत छोटी अमाउंट है हमारे लिए, आप बोल रहे बहुत बड़ी अमाउंट है। एक एक चीज भी तो रही है सर, छोटी अमाउंट है लेकिन किसी और को देता हाँ, तो उसके लिए तो बहुत बढ़िया सर। वो तो देखो आपके ब्रांड को प्रमोट करके कितना बड़ा कर दिया महाराष्ट्र में, और जब छोड़ा तो क्या हो गया आपका हालत ब्रांड का, वो तो देखो। आपसे बड़ा फेमस आदमी नहीं है महाराष्ट्र सर, टचवुड सर, तो फेमस किया है सर, आपने तो फेमस किया है। जैसे जैसे मैं सर, मेरा है ना सर, जैसे बटर बॉक्स और मेरा ब्रांड जब आया ना मार्केट में, और तब से आपको कितना नुकसान हुआ है, क्या हुआ है सब जानता हूँ मैं, और आपके जो जलन निकल रही है, सब कुछ निकल रही है, वो साजिक है, होना चाहिए, हर बिजनेसमैन को होना चाहिए। ठीक है सर, आप करो, आपको जो करना है आप कर सकते हो, कोई आप मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बटर बॉक्स जहाँ जाने का तुम प्लान कर रहे हो ना, जिंदगी में सपना देखते हो, आप चीफ गेस्ट होते हैं। अरे एकदम परफेक्ट है, जहाँ पे हम तेल लगा खड़े होते वहाँ पे भी चीफ गेस्ट होते हो आप, मेरे को मालूम है। नहीं नहीं, जहाँ तेल लगा के खड़े होगे वो तो हो भी नहीं पाओगे जिंदगी में, लेकिन जहाँ जाने का सपना देख रहे हो, जहाँ जाने का वीजा देख रहे हो ना, वहाँ चीफ मैं। वो तो पता है, वो तो पता है सर, मैं हर जगह पे जहाँ पे मैं तेल लगा के आने वाला हूँ ना, वहाँ पे हर जगह पे आप चीफ गेस्ट होने वाले हो। तो आपको बहुत 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 बधाई हो, परियों के बीच पे रहिए। यस सर, हमारी कंपनी का पैसा लेकर हमारे फोटो आपने जो उन्घलन किया है ना, हमारे कॉन्टेक्ट अपनी कंपनी को बोलिए रिप्लाई देना है। कितना करोड़ रुपए दिया आपने जरा बताइए जरा सर। नहीं नहीं, हमने आपको 1 रुपया दिया। हाँ आ गया, आपने आपने उस पे आ गया, परफेक्टली बातों पे आ गया। हाँ आगे बोलिए। 1 रुपया दिया है लेकिन कानून के हिसाब से तो दिया है ना 1 रुपया सर। तो कानून के हिसाब से मैंने भी आपका आपके वार्ड का ब्रांड का प्रमोशन कर दिया है, समझे? कानून के हिसाब से मैंने भी आपके आपका ब्रांड का प्रमोशन कर दिया है। मुझे सफाई मत दीजिए। तो आप मुझे क्यों सफाई दे रहे हो? मैं कोई सफाई नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। अरे सर मेरी बात सुनो ना, सुनो ना, हमें इतना टाइम नहीं है। आप ये वाली बातें अपन कोर्ट में देखेंगे, आप जो कोर्ट वाली बातें बोल रहे हो। मैं आपको सिंपल भाषा में, सरल भाषा में ये पूछना चाह रहे थे कि मेरा आपने पर्सनल फोटो क्यों अपलोड किया है, मेरी पर्सनल लाइफ से आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, और पर्सनल लाइफ के बारे में आपने क्यों किया है, ये मैं आपको पूछ रहा हूँ। उसका मुझे आंसर दो, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, खत्म। आपकी कोई तस्वीर अपलोड नहीं की है, ठीक है? अगर आपको लगता है आपकी है तो ये आपका प्रॉब्लम है, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अपनी तस्वीर अपलोड करूँ, आप बोले मेरी तस्वीर है। एक काम करो सर, एक अभी आपने इतना ही अपना इनिशिएटिव लेके अभी अपने स्टार्ट कर दिया है, तो एक काम करो, वो मेरा विदाउट ब्लड डाल दो सर। क्या डाल दो? मैंने बोला आपने इतना स्टार्ट कर दिया है अभी जी, तो एक काम कीजिए, वो विदाउट ब्लड डाल दीजिए, लोगों को मालूम तो बड़े क्लियरली कौन है। कोई बात नहीं, जहाँ जिसको जो करना है वो तो आप करेंगे ना। करो ना, वो तो कानून के हिसाब से जब आपने मेरी कंपनी के साथ ऐसा किया है। अरे सर क्या, अरे सर आप बच्चे हो क्या? तो करूंगा सर, आप कंपनी के ऊपर आ रहे हो, लीगल नोटिस भेजते खेलते रहते हो सर, आप क्या बच्चे हो क्या? आप खेलो ना, लीगल खेलो, कोई बात नहीं। लीगल खेलने का टाइम थोड़ी है सर, हम बेचारे छोटे मोटे एथलीट रहेंगे इस देश के, छोटे आपके पास बहुत टाइम है ना, कोई बात नहीं, चलिए आपके आप दौड़ भाग करते रहिए। आपको लगता है आपकी तस्वीर है तो उसमें मैं तो कुछ कर नहीं सकता। नहीं नहीं, वही तो मैं आपको बोल रहा ना, आप उधार कर सकता हूँ इसमें, आपको अगर लगता है आपकी तस्वीर है तो क्या कर सकता हूँ मैं? लगता नहीं सर, मेरी तस्वीर है वो लगता नहीं है, लगने वाली बात नहीं है आपकी, तो ये मैं कैसे मान लूं, मैं कहता हूँ नहीं। तो आपको तो विदाउट ब्लड डाल दो ना फिर, आपको इतना ही है तो विदाउट ब्लड डाल दो, कोई बात नहीं। वो आप मुझे नहीं बताएंगे ना कि क्या करना है,
मेरे नौकर मुझे नहीं बताते कि क्या करना है। अरे बाबा नौकर बताते हैं उनको कि ये पैसा दिया। एक बार ना मुझे मिल लेना, फिर नौकर क्या करता है देख लेना। एक बार मुझे मिल लेना,